प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो है हमारी हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। हैज़ बीन, हैव बीन हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। जब आप बात पास्ट में करते हैं तो आप हैड बीन का यूज़ करते हैं। सो प्रेजेंट के लिए हैज़, हैव बीन और पास्ट के लिए हैड बीन। और ये बात क्या ख़त्म होती है, कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। आपकी बात हमेशा इन वर्ड से ख़त्म होगी और हमेशा आपकी हर बात में टाइम को शो करेंगे। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप अपना सेंटेंस बनाएंगे और आपके हर सेंटेंस में टाइम को शो करेंगे। ही शी इट के साथ हैज़ बीन, आई वी यू दे के साथ हैव बीन, और हैड आपका सब्जेक्ट और जो आपका जो भी होगा सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आप हैड बीन का यूज़ करेंगे अगर वो पास्ट में है। क्योंकि हमारे हैज़ बीन और हैव बीन में हमें टाइम को शो करना होता है, तो टाइम को शो करने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हमारी सेंटेंस में बताया जाने वाला टाइम कन्फर्म होता है। इट विल बी यूज फॉर कन्फर्म टाइम। जैसे मंडे कन्फर्म है, वीक में सबको पता है एक बार मंडे आता है, मॉर्निंग एक बार आती है दिन में, लास्ट डे एक बार होता है, आज के डे से लास्ट के डे को हम बोलते हैं। एनी डेज अगर नाम से हैं, कोई ईयर सन से है, तो वो हमारा कन्फर्म है। और जब हमारा सेंटेंस में कोई भी टाइम कन्फर्म होता है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। कन्फर्म टाइम होने पर हम सिंस का यूज़ करते हैं, जो टाइम हम कन्फर्मली बता पा रहे हैं। और जब टाइम कन्फर्म नहीं होता है तो वहाँ पे हम फोर का यूज़ करते हैं। फोर भी टाइम को बताता है, बट इसमें बताया जाने वाला टाइम कन्फर्म नहीं होता। टाइम तो होता है बट कन्फर्म नहीं होता। जैसे फोर डेज़, फोर मंथ्स, फोर आवर्स, आप ये बोल रहे हो लेकिन आपने डेज़ नेम से नहीं बताए, मंथ्स नेम से नहीं बताए, आवर्स जो हैं कब कब से हैं, मॉर्निंग के किस टाइम से हैं, तो वो चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए हम जब टाइम कन्फर्म नहीं होता तो फोर का यूज़ करते हैं। और जब हमारा टाइम कन्फर्म नहीं है तो फोर का यूज़ करेंगे हम वहाँ। और जब टाइम हमारा कन्फर्म होगा तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस कन्फर्म टाइम के लिए, और फोर जब आपका टाइम सेंटेंस में कन्फर्म ना हो तब यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हैज़ बीन। अगर आप हैज़ बीन से सेंटेंस बना रहे हो तो कैसे बनाएंगे? ही हैज़ बीन वेटिंग हिज सिस्टर फॉर टू आवर्स। वह अपनी बहन का दो घंटे से इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे देखो टाइम तो है टू आवर्स, लेकिन कन्फर्म नहीं है किस कौन से टाइम से, मतलब सुबह से, 9 बजे से या 10 बजे से, नहीं पता। तो यहाँ पे टाइम कन्फर्म नहीं है इसलिए हम टू का यूज़ करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से बारिश हो रही है, रही है। मैंने बोला था हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है रहा है, रही है, लेकिन सेंटेंस हमारा ख़त्म हो रहा है रहा है, रही ही से। और यहाँ पे टाइम भी क्या है 3 आवर्स, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है इसलिए हमने 4 का यूज़ किया है। लेकिन अगर हम बोलते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो हमें पता है दिन में सुबह भी होती है एक बार होती है और शाम भी, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है राधा हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1980। राधा यहाँ पे 1980 से रह रही है, 1980 कन्फर्म है, तो कन्फर्म है तो हमने सिंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा हैव बीन। मैंने हैव बीन से भी सेंटेंस बनाया है, देख सकते हैं आप। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स। मैं 6 घंटे से सो रहा हूँ। 4 क्योंकि हमारा टाइम कन्फर्म नहीं है, 6 घंटे हैं बट ये नहीं पता कौन से टाइम से वो 6 घंटे से सो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 का यूज़ किया है। और रहा हूँ प्रेजेंट में है और हमारी बात ख़त्म होती है रहा हूँ, रही हूँ उस पर। दे हैव बीन ट्रैवलिंग टू मुंबई सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हमारी कन्फर्म है इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया है। जब आपकी सेंटेंस में आपका दिया जाने वाला टाइम कन्फर्म होता है तो सिंस का यूज़ करते हैं। वी कल रात से मुंबई के लिए यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट है वी हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 मंथ्स। हम 2 महीने से ऑफिस जा रहे हैं, बट यहाँ पे वो महीने नहीं पता कौन से 2 महीने, मई जून है, जनवरी फरवरी है, नहीं पता, इसलिए हमने 4 लगाया है। आपका टाइम कन्फर्म नहीं होने पर आप 4 का यूज़ करो। नेक्स्ट हमारा आता है हैड बीन। हैड बीन इट इज़ अ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जब हम कोई भी बात पास्ट में करते हैं तो हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। हैड बीन, ही शी इट, एनी नेम या आई वी यू दे, कुछ भी अगर हमारा सब्जेक्ट है वो पास्ट में है तो हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी बात वही होगी, प्रेजेंट में रहा है, रही है, और यहाँ पे रहता रही थी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने सेंटेंस भी बनाया है, ही हैड बीन फाइटिंग विद हिज फ्रेंड फॉर 1/2 आवर। वह अपने दोस्त से 1/2 घंटे से लड़ रहा था। 4 हमने यूज़ किया है क्योंकि 1/2 आवर कन्फर्म नहीं है। और जब हमारा किसी भी सेंटेंस में दिया गया टाइम कन्फर्म नहीं होता है तो हम वहाँ पे 4 का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इस सेंटेंस में भी 4 का यूज़ किया है।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है, वी हैड बीन लिविंग सेपरेट आवर फैमिली सिंस 1889। हम अपने परिवार से सन 1889 से अलग रह रहे थे। तो 1889 कन्फर्म है, ये बार बार रिपीट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। दे हैड बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर, वे एक घंटे से चल रहे थे। 1 आवर कन्फर्म नहीं है, इसलिए 4 का यूज़ किया है। बाकी सारी बात रहे थे, रहे थे प्रेजेंट में होता है, रहा है, रही हैं, ये यूज़ होता है। तो इस तरह से हम अपना सेंटेंस बनाते हैं पास्ट में। अगर आप बात पास्ट में कर रहे हो तो वहाँ पे आप हैड बीन का यूज़ करेंगे। हैड बीन यानी कि वो बात पास्ट में हो चुकी है। और हैड बीन हमेशा हर तरह के सब्जेक्ट, चाहे वो आपका सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ यूज़ किया जाता है। और हैज़ बीन हैव बीन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में है तो वो काम कर रहा है, कर रही है, ये इससे बात आपकी ख़त्म होगी। और हैड बीन से कर रहा था, कर रहे थे, उनसे ख़त्म होगा। दोनों में ही टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर टाइम कन्फर्म नहीं होगा तो आप 4 का यूज़ करेंगे, और कन्फर्म होगा तो सिंस का यूज़ करेंगे। बट टाइम ज़रूर होता है इस तरह के सेंटेंसेस में। हम हैज़, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, और हमेशा इसमें समय को रिप्रेजेंट किया जाता है। पास्ट की बात करेंगे तो हैड बीन, और प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज़ हैव बीन। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।